श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्रम विनियोग ओमस्य श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र मंत्रस्य हिरण्यगर्भ ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्रीं बीजं ह्रीं शक्तिः क्लीं कीलकं मम सर्व क्लेश पीड़ा परिहारार्थं सर्व दुख दारिद्र्य नाशनार्थं सर्व कार्य सिद्ध्यर्थं च श्री सिद्ध लक्ष्मी स्तोत्र पाठे विनियोगः। ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्ग त्रिशूल पद्मचक्र गदाधरां पीतांबरधरां देवीं नानालंकारभूषितां तेजः पुंजधरीं श्रेष्ठां ध्यायेद् बालकुमारिकां। ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णु हृदयं अव्ययं विष्णुं आनंदम अव्यक्तं ह्रींकारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानंदनीं भद्रां सत्यानंददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं। ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीं अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययम् मकारः पुरुषो व्यक्तो देवी प्रणव उच्यते। सूर्यकोटि प्रतिकाशं चंद्रकोटि समप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितं ओंकारं परमानंदं सदैव सुखसुंदरी सिद्धिलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रथमं त्र्यंबका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तथा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुंदरी तथा पंचमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तथा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमी खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर् द्वादशं हंसवाहिनी। एतत् स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वा पदभ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा। एकमासं द्विमासं च त्रिमासं मासचतुष्टयम् पञ्चमासं च षष्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत्। ब्राह्मण क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यमय पीडितः जन्मांतर सहस्रो तथैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीं अपुत्रः पुत्रवान् भवेत्। धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्नी चोर भयेषु च शाकिनी भूत वेताल सर्प व्याघ्र निपातते
राजद्वारे सभास्थाने कारागृह निबंधने ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तो ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनी। इति श्री ब्रह्मपुराणे ईश्वर विष्णु संवादे श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रम् संपूर्णम्।